हमारे नए गली न्यूज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए, आपका बोलना बिल्कुल सही है कि ये किताब जो है ये पैन इंडिया के बेसिस के ऊपर बैन होनी चाहिए, लेकिन शुरुआत जो है जो हम यहाँ से कर रहे हैं, हमने डिसाइड कर चुका है कि हम स्टेट गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंटेशन करेंगे इस बुक को बैन करने के लिए, और हमें उम्मीद है कि सरकार जो है वो इस बात को हमारी मानेगी, और हम पढ़कर बताएंगे सरकार को कि ऐसी चीज़ें जो उसमें लिखी है वो किसी हालत में हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो उसको एंटरटेन करना डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पर तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और जहाँ तक पैन इंडिया का सवाल है, हमारी उम्मीद हमारी कोशिश ये है कि हम पिटिशंस कुछ तैयार करें हमारे सीनियर के गाइडेंस में, बॉम्बे हाईकोर्ट में फाइल करें, और कोशिश करके वहाँ से कोई बैन का ऑर्डर अगर हमें मिल जाता है या गैग का ऑर्डर मिल जाता है तो उस ऑर्डर के बुनियाद के ऊपर दूसरे स्टेट्स के अंदर जो दूसरी हाईकोर्ट्स है वहाँ पर भी हम अप्रोच करके इसके इस बुक की डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसको हम रोकें। ये डिस्क बुक को जब हम देखें तो इसने जो किया था वसीम रिजवी, जानबूझ करके जितने भी कंसर्न पार्टीज़ है अलग अलग स्टेट्स के अंदर उन सबको उसने किताब भिजवाया। तो एक किताब इसने पैन इंडिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश इसलिए की ताकि ये चाहता है कि मुसलमान जो है वो रास्ते पे बाहर निकल के आ जाए, रिवोल्ट करे, मोर्चे निकले, लेकिन हमने डिसाइड कर चुका है कि हम ये नहीं करेंगे। ये सब करके कुछ हासिल नहीं होने वाला है, हमें कोर्ट के दरवाजे खटखटाने हैं, हमारे को कानून के ऊपर, हम कानून का ही हिस्सा है। अगर मैं खुद कानून से नाउम्मीद हो गया तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता है मुझे वकालत करने की। मैंने 37 साल से मैंने देखा है कि कानून का दरवाज़ा एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको ऐसे केसेस के अंदर रिलीफ मिलती ही है। कानून के दरवाजे को खटखटा के हम ऑर्डर्स लेंगे इंशाल्लाह, और वो ऑर्डर्स लेकर दूसरी स्टेट्स के अंदर, दूसरी हाईकोर्ट्स के अंदर पिटीशन फाइल करेंगे। और जैसे मेरे छोटे भाई मुबीन ने भी डिस्कस किया कि 27 FIR जो हुए पैन इंडिया बेसिस पे हुए, अलग अलग स्टेट्स के अंदर हुए, तो इस आदमी का इरादा जो है वो पैन इंडिया बेसिस के ऊपर डिसहार्मनी ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन को क्रिएट करने का है, एनिमिटी स्प्रेड करना चाहता है रिलीजन के ग्राउंड के ऊपर। अगर ये हुआ तो इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री इज गोइंग टू बी अफेक्टेड। इफ द इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ माई कंट्री इज गोइंग टू बी अफेक्टेड, वी आर नॉट गोइंग टू सिट क्वाइट। द कम्युनिटी विल राइज एंड विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ गोइंग एंड अप्रोचिंग द कोर्ट एंड इंसिस्टिंग दैट इन ऑल सच केसेज वेर द इंटेग्रिटी एंड द सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री इज एट स्टेक, इफ इट इज टू बी इन्वेस्टिगेटेड इट शुड बी डन बाय NIA। इफ ऑल अदर केसेज ऑफ UAPA आर बींग इन्वेस्टिगेटेड बाय NIA, वाई नॉट दिस केस? बिकॉज the provisions of 153 capital A squarely apply to the facts of this case. It's a very sad situation ke Mumbai police ne is case ko 153 capital A ke andar apply nahi kiya. 295 A ka apply karke FIR ki copy hamare haath mein 7 ghante ke baad mein di. 7 ghante nahi lagte aapko ye decide karne ke liye ke ye kanoon 153 A, ye jurm jo hai wo 153 A ka hai ya 295 A ka hai. 153 A ek scheduled offense hai UAPA mein, और अगर UAPA के अंदर शेड्यूल्ड ऑफेंस है तो वसीम रिजवी के ऊपर UAPA का चार्ज लगना चाहिए। जिस तरह दूसरे आरोपी कस्टडी के अंदर बैठे हैं UAPA के अंदर, इसको भी कस्टडी के अंदर लेना चाहिए, और जिस तरीके से उनको कस्टडी में रखकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है, इसके खिलाफ भी इसको कस्टडी में रखकर कानूनी कार्रवाई चलनी चाहिए ताकि दोबारा ऐसी कोई बुक दोबारा किसी ने पब्लिश करने की हिम्मत न करे। आप कब जाने वाले हाईकोर्ट में? तैयारी चालू है, उस की वो किताब जो है वो हम देख चुके, पढ़ रहे हैं, उसके बहुत सारे रेफरेंसेस है, उसको कंपेयर कर रहे हैं, और इंशाल्लाह सारा काम छोड़ के सबसे पहले इस काम पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, आइडियली जब ये FIR रजिस्टर किया गया उस वक्त ही 153A को जो है इसमें लागू कर देना चाहिए था, ये सेक्शन को इन्वोक कर देना चाहिए था, लेकिन अगर ये नहीं किया गया है तो हम लोग ने ये अभी फैसला लिया है कि हम लोग पहले जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है और जो सीनियर ऑफिसर्स है उनको एक लेटर देंगे जिसमें हम लोग कहेंगे कि ये जो केस है इसमें 153A जो है ये लागू होता है और जो इंग्रेडिएंट्स है इस ऑफेंस के वो बिल्कुल बनते हैं, तो इसको जो है इन्वोक कर देना चाहिए। अगर हमारे लेटर के बेसिस पे अगर उन्होंने इन्वोक कर दिया तो ठीक है, और अगर नहीं किया तो हम लोग इस ताल्लुक से हम लोग हाईकोर्ट में आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम लोग रिट पिटीशन फाइल करेंगे और हम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको डायरेक्शंस दी जाए कि इसके अंदर जो है 153A को इन्वोक किया जाए। और इसी के साथ साथ बिकॉज 153A इज़ अ शेड्यूल्ड ऑफेंस,
देयरफॉर यूएपी आल्सो शुड बी इन्वोक्ड अगेंस्ट वसीम रिजवी, और ये पिटीशन हम लोग बहुत जल्द दाखिल करेंगे अगर हमारे लेटर पे कोई रिस्पांस नहीं मिलता। थैंक यू। 3A का और FIR 153A के तहत भी पेयर्स आर ऑलरेडी फाइल्ड, तो हम ये चाहते हैं कि जो 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 केस रजिस्टर हो, जो FIR रजिस्टर हो 153A में भी हो, हमारे जोड़ीदार हमारे साथीदार रिजवान साहब उन लोगों ने तो वहाँ पर उसके काफ़ी जद्दोजहद की है, आप बेहतर हैं उनसे ये बात जाने।